वेलकम टू द शो। आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्प्रेयर मशीन। दिस इज अ बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर मशीन जिससे बेसिकली एग्रीकल्चर में यूज होता है, मगर ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ COVID-19 आप ये स्प्रेयर मशीन के तौर पे इसको यूज करके आप हार्ड सरफेस, कार, स्टेयरकेस, लिफ्ट, वॉल्स, एनीवेयर यू कैन यूज इट टू डिसइंफेक्टिंग। तो बिफोर अनबॉक्सिंग मैं दिखा देता हूँ, इट हैज अ प्लास्टिक टैंक और इसका मेन फायदा है मैनुअल और बैटरी का ये है कि इसमें एक पंप रहता है जो कि आपका पंप क्या करता है ना, बूस्ट करता है वाटर को जो भी सोल्यूशन है, और जब आप ये ट्रिगर दबाते हैं तो नोजल के थ्रू स्प्रे होता है। और मैनुअल में क्या होता है कि इसी डब्बे के अंदर ही आपका मैनुअली आप पंच करते हो तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसके बाद स्प्रे होता है। तो अगर आपके टैंक में थोड़ा सा भी लीक होता है ना तो मैनुअल में दिक्कत हो जाता है। तो जो प्रॉब्लम इसमें है नहीं, इसमें आपका ढक्कन सील है कि नहीं कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मेन है जो ये पंप है लगभग 80 PSI का है वो आपका करता है। इसमें जो बैटरी है वो भी रिप्लेसेबल है, ये नॉर्मल बैटरी या नॉर्मल आपको मिल जाता है UPS के अंदर या फिर आप इमरजेंसी लाइट में भी पहले आता था। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए ये खुल गया। अभी आप जो अंदर देखोगे सबसे पहले है ये है अडप्टर जिसके थ्रू ये चार्ज होता है। तो जाहिर सी बात है ये जब आता है मैन्युफैक्चरिंग होकर तो इसमें चार्जेस कम रहता है, तो इट्स बेटर कि आप इसको पहली बार 6 से 7 घंटा चार्ज कर लेती मेन यूनिट। और ये रहा इसका आपका पाइप जिसके थ्रू आप इसको स्प्रे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये पर्टिकुलरली दिखाता हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा टाइप का है। ये आप जो देख रहे हो ना दिस इज एडजस्टेबल, यहाँ पे एक लॉक है, ये लॉक को आप अनलॉक करेंगे तो ये और भी बाहर आता है, ये पूरा निकल भी सकता है। तो आपको इसको डाल के और इधर जो ये लॉक है ना इसको आप टाइट कर दोगे तो दिस इज लॉक। तो बेसिकली दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द पाइप। तो अभी इसको छोटा ही रखते हैं और देखते हैं कि डब्बे में और क्या क्या दिया हुआ है। सो गाइस दिस इज द मेन यूनिट। तो ये बहुत ही सुंदर सा है, यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे दिखता है। तो खैर जो भी है दिस इज द एग्जिट पाइप जहाँ से आपका ये पानी जाता है। अच्छा अभी मैं आपको इसका बैक साइड दिखाता हूँ, दिस इज द बैक साइड। ये आपका जो दिया हुआ है ना ये प्रेशर के लिए दिया हुआ है, प्रेशर इन द सेंस जब आप इसको कंधे पे लोगे तो आपका 16 लीटर का टैंक है तो बहुत ज्यादा दुख सकता है। फॉर दैट रीजन ये दिया हुआ है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ठीक रहे, आपका उतना ज्यादा दिक्कत ना हो। आइए अभी देखते हैं। यहाँ पे देखिए ढक्कन जब आप खोलोगे ना इसमें एक स्टेनर दिया हुआ है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपका, क्योंकि हर जगह का पानी आपका सेम नहीं रहता है, तो ये स्टेनर आप यूज कीजिएगा ताकि आपका पानी ठीक रहे, कोई उल्टा सीधा चीजें ना चल जाए। दीज आर दी बेल्ट पैक्स जो आपका पीठ के लिए चाहिए, इसको हम लोग इधर माउंट करेंगे आपको दिखा देंगे। एक साइड का हो गया ये आपका, दूसरे साइड का बेल्ट पैक हो गया। अभी ये आया आपका ट्रिगर जिसको ऐसे आप दबाओगे, जब जैसे जैसे आप प्रेस करोगे तो वैसे वैसे आपका फ्लूइड बाहर जाना स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है दिस इज द पैकेट, इसमें आपका बहुत सारा चीजें, एक 3-ply मास्क आपको मिल जाता है जो कि आप पहन के करना चाहिए, और आपका कुछ अटैचमेंट्स, और मेन है द नोजल जो कि आपका सामने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा द मेन थिंग, द नोजल है आपका, ये वाला है, ये वाला है जहां से आप डबल स्प्रे कर सकते हो। दो नोजल है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो इसका फ्लो, और दो स्ट्रीम निकलेगा, ठीक है। और ये आपका एक स्टॉपर है, ये आपका फ्लावर के लिए है, जब आप फूल या फिर प्लांटिंग करते हो ना वहाँ पे 4 पॉइंट्स है तो 4 मुंह से निकलेगा थोड़ा, ठीक है। तो ये सब है, और बाकी आपका एक एक्स्ट्रा स्टॉप वॉल्व दिया हुआ है, और ये आपका 3-ply मास्क है जो कि आप पहन सकते हो। एक वॉशर दिया हुआ है, कभी कभी लीकेज होता है तब यू कैन यूज दैट। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके सामने क्या लगाएंगे। तो हम लोग पहले इसको यही लगा देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग इधर पे ये लगा लिए हैं, ये आपका 2 वाल्व वाला है, 2 नोजल वाला है जहां से निकलेगा। अब उसके बाद एक मेन चीज आता है जो कि है दिस वन, दिस इज द ट्रिगर जहां से ये निकलेगा। तो इसका दिस साइड, दिस इज द इनलेट, दिस इज द आउटलेट, आउटलेट साइड हम लोग इधर लगा लेंगे, बस ऐसे हम लोग इसको लॉक कर दिया। देखिए ये बेसिकली तो हार्ड बिल्ट है, मगर है तो प्लास्टिक का, तो टाइट करते वक्त ज्यादा जोर मत लगाइए, हो सकता है कि इसका थ्रेड्स कट जाए, तो जितना जरूरत है उतना ही दीजिए। तो ये ट्रिगर रेडी है, और इसका जो इनलेट है वो आपका ये टैंक का आउटलेट है, इसको आप इधर लगा सकते हैं। अगर आपका इधर से वाटर लीक हो रहा है तब आपका जो आपका पैकेट में जो हमने आपको एक वॉशर दिखाया
वो आप इसमें लगा सकते हो। तो इसको आप ऐसे लगा लीजिए, ये हो गया आपका रेडी। नाउ दिस इज कमिंग टू दिस मेन पॉइंट जो कि है इधर, ये रहा आपका सर्किट। इससे आपका ऑन होता है पंप, अभी ये ऑन होता है पंप, और ये एक एडजस्टमेंट है, और ये एक एक्सटर्नल स्विच है थ्रू विच आप ये जो आपका ट्रिगर है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो फॉगर से। तो व्हेन यू वांट टू रिप्लेस दिस इनटू फॉगर, तो यहां से इसका आउटलेट होगा एंड इसमें इनलेट होगा। तो अभी मेरे पास फॉगर नहीं है, तो वी आर डूइंग दिस विद दिस ओनली। ऑन करते ही आपको आवाज होगा, देखिए आपका पंप स्टार्ट हो गया है, मगर दो अंदर आपका वाटर नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये कुछ पंपिंग नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो गाइस व्हाट वी हैव यूज्ड फॉर दिस सैनिटाइजिंग स्प्रेयर मशीन इज दिस केमटेक सिल्वॉक्स मिस्ट 150। आप इसमें बहुत सारा केमिकल्स यूज कर सकते हो, एनीथिंग विच इज लिक्विड कैन बी यूज्ड, एंड द मेन थिंग इज दैट हियर द मार्किंग इज देयर 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर एंड 16 लीटर, बिकॉज दिस कैपेसिटी इज 16 लीटर। तो हम लोग इसमें वाटर यूज नहीं कर रहे, डायरेक्ट हमारे पास सोल्यूशन है, वी आर यूजिंग दिस 150 मिस्ट। ओके, सो हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं इसमें, एंड यू कैन सी हियर इट इज शोइंग 1 लीटर, यू कैन सी दिस। ओके, सो वी हैव इंस्टॉल्ड दिस बेल्ट पैक ऑल्सो, दिस बेल्ट पैक विल बी इंस्टॉल्ड लाइक दिस, जैसे आप लोगों का स्कूल बैग्स होता है वैसे ही इंस्टॉल होगा। सो नाउ लेट्स गो एंड यूज द सेम। अब देख सकते हो इधर एक लीवर है, इसको प्रेस करो, जैसे अब इसको प्रेस करके, इसको प्रेस करने के बाद इसको अगर दे देंगे तो ये आपका ना लॉक हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कंटिन्यूसली हो सकता है, आपको और प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर से आप प्रेस करके जब आप इसको रिलीज कर दोगे तो ये नॉर्मली काम करेगा। ऑन करने के बाद पंप बूस्ट होगा, पंप बूस्ट होने के बाद आप देख सकते हो कि इधर आपका है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में दिखा रहा है रेड इज फॉर लाइट एंड इज फॉर न्यूट्रल। तो ये पंप में भी एक अच्छी खासियत बात है कि जब तक आप ट्रिगर नहीं मारोगे पंप ऑन नहीं होगा, पंप में प्रेशर रहेगा मगर ऑफ रहेगा, जब हम लोग प्रेस करेंगे तभी ऑन होगा। तो अभी देखते हैं, जब भी ये प्रेस हो रहा है तभी ऐसे स्प्रे आउट हो रहा है। आपने देखा कि ये स्प्रेयर मशीन कैसे काम करता है, और इसको आप जब आपका काम हो जाएगा, जब स्प्रेइंग डिसइंफेक्शन हो जाएगा, तो आप इसको जरूर ऐसे खोल दीजिए जैसे हम लोग कर दिए हैं, और ये पाइपलाइन को आप हो सके तो ऐसे इसको लगा के भी रख सकते हैं, अगर जगह नहीं है तो आप खोल दीजिए, मगर बी श्योर कि इसके अंदर कुछ चले ना जाए पास में। और एज एवरीबॉडी नोज कि कोलकाता टूल्स एंड टेक्निक्स ऑल इंडिया सर्विस देता है, अगर आपको चाहिए ये मशीन एंड इसका जो सॉल्यूशंस है, मिस्ट हो गया, एस्टेसन 256 हो गया, तो यू कैन जस्ट प्रोक्योर इट फ्रॉम अस। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, हम आप लोगों को कॉल कर सकते हैं। फॉर एनी काइंड ऑफ सेफ्टी कंसल्टेशन ऑल्सो यू कैन कॉल अस एंड वी विल जस्ट गाइड यू आउट। एंड ये मशीन बेसिकली आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, आप अपना कार सैनिटाइज कर सकते हो, जो भी फैक्ट्रीज में गाड़ी आ रहा है बाहर से मटेरियल्स लेके उसको सैनिटाइज किया जा सकता है। अगर आप इसमें मिस्ट यूज करते हो देन आप ह्यूमन बीइंग को भी सैनिटाइज कर सकते हो, आपको सामने का स्प्रेयर चेंज कर देना पड़ेगा, जो भी बहुत सारा वेरियंस है। आप लिफ्ट कर सकते हो, स्टेयर केस कर सकते हो एंड कोई भी हार्ड सर्फेस कर सकते हो जहाँ पे थोड़ा पानी गिरने से दिक्कत ना हो। ऑफिस के अंदर इसको यूज मत कीजिए, फॉर दैट रीजन देर इज अ सेपरेट वीडियो, वहाँ पे फ्यूमिगेशन मशीन चाहिए जिसको फॉगिंग मशीन बोला जाता है, एंड वी हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट ऑल्सो, यू कैन सी इन आवर लिंक। तो अभी के लिए इतना ही गाइज, होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड कोई भी अदर जानकारी आपको चाहिए रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सेफ्टी जस्ट गिव अस अ कॉल।